नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल भले ही स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन यहाँ की सड़कें बद से बदतर स्थिति में है। आलम यह है कि राजधानी के झिंसी चौराहा स्थित स्लाटर हाउस के पास गड्ढों में सड़क, ये सड़क में गड्ढे पता ही नहीं चलता। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। जनता की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस नेता मुनव्वर कौशल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन से इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की। उन्होंने बताया है कि ये सड़क विगत एक महीने से ऐसी स्थिति में है और कई वाहन चालक इस गड्ढों में गिर चुके हैं, जिससे उन्हें चोटें भी आई है। कौशल ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है, अगर 3 दिनों के अंदर सड़क ठीक नहीं हुई तो फिर वो निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। काफी समय हो गया है, मेधा मिल वाला रोड खुदा पड़ा हुआ, अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं किया गया, उसके लिए लेकर के आपने आवाज उठाई उस मुद्दे को लेकर के? जी हाँ, मैं पिछले एक महीने से देख रहा था उस गड्ढे को, और वो गड्ढा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक तालाब की शक्ल ले ली उसने। आपने खुद देखा होगा कि वो गड्ढा इतना गहरा हो गया है और इतना पानी भरा हुआ है, उसमें कई लोग गिर चुके। वो ख़ासतौर से जो छोटे आजकल इलेक्ट्रॉनिक के जो रिक्शे चल रहे हैं, ई रिक्शे, वो तो बहुत ही ईजीली पलट जाते हैं। कई फैमिली उसमें गिरी, स्कूटर वाले बेचारे गिरे, कई लेडीज़ें गिरी, कई बच्चे गिरे। मैं बराबर देख रहा था कि शायद प्रशासन इस पर कुछ जागे, इसकी कुछ कार्रवाई करे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने जनहित को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए, वहाँ से लोग जो गुजर रहे थे उनकी तकलीफ़, उनका दर्द देखते हुए मैंने ये आवाज़ उठाई है और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाई है। और तो प्रशासन से मैंने बोला भी है, उनसे निवेदन भी किया है कि जो भी इस एरिया के इंचार्ज हों, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सही कर दें। अगर सही नहीं करेंगे तो हम दोबारा, मतलब ये उसी जगह पे हम बैठ के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, ये क्या किसी तरह का, कहें तो जो आपका प्रदर्शन रहेगा तो वो किस तरह से आप उसको वहाँ पर कंडक्ट करेंगे जो प्रदर्शन रहेगा? नहीं, हम तो बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, और हम तो जितने भी प्रदर्शन हमारे हैं हम बहुत शांति से करते हैं। हम तो जाकर रोड पे बैठ जाएंगे। वहाँ कहीं सुनने में बात आ रही थी कि आपके द्वारा कहा गया था अगर 3 दिन के अंदर ये रोड नहीं होता, हम निर्वस्त्र होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, हम निर्वस्त्र होके ही बैठेंगे वहाँ पर, और उसी जगह पर बैठेंगे, बीच रोड पर बैठेंगे, ताकि कम से कम प्रशासन तक हमारी बात तो पहुँचे, उन्हें कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि मुद्दा जनता का है, लाखों लोग वहाँ से गुजरते हैं। लगातार कहा जा रहा है भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाना, उस बीच में इस तरह के एक मुख्य मार्ग जो खुदा पड़ा हुआ है, एक बड़ी चिंता का विषय है किस तरह स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा राजधानी भोपाल। अब स्मार्ट सिटी तो देखिए, जो लोग बना रहे हैं उनकी नज़र में स्मार्ट सिटी है, ये गड्ढे का मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए, बोबदा पुल से धर्मकांटा तक का जो रोड है, जो गड्ढे ही गड्ढे हैं उसके अंदर, शहर की और भी सड़कें हैं, आप जाके देख लीजिए। आप कभी जाइए कोहे फिजा, लगेगा आप किसी गांव में आ गए, शहर में नहीं आए। इस तरीके से आप शहर के कई एरिए हैं, कई जगह हैं जहाँ देख लीजिए आप, गड्ढे गड्ढे, सड़कें है ही नहीं, बहुत बद से बदतर हालात है। पिछले वर्षों में भी रोड काफ़ी ज़्यादा खुस गए थे, इसमें लेकर के कुछ मीम्स भी बनाए गए थे इन रोडों को लेकर के, मगर उनको फिर गड्ढों को पूर दिया गया था। मैं दोबारा गड्ढे से नहीं, आपको याद होगा मैंने तब भी मैंने प्रदर्शन किया था और इसकी आवाज़ उठाई थी रोडों की। तो उसके जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने कहा भी था कि हम बारिश के बाद पुनः इनको हम सही करवा देंगे। तो वो गड्ढों की भराई तो हुई है, फॉर्मेलिटीज हुई है भाई, जितने भी गड्ढे भरे थे मिट्टी से भर दिए थे, तो मिट्टी चलती नहीं। आप देख लीजिए जहाँ भी होता है, या तो मिट्टी डाल देते हैं या कचरा डाल देते हैं या मतलब ईंटें डाल देते हैं ले आके, तो उसके बाद रोड चलेंगे कहाँ से? पूरी साल हो गई, अब अगली बरसात आने वाली है, फिर यही होगा कि साहब बारिश के बाद करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आता प्रशासन की क्या पॉलिसी है, क्या चाहते हैं, और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के हित की जो चीज़ें हैं उनमें करना चाहिए। लोग किस तरीके से परेशान हैं, पेट्रोल डीजल वैसे ही महंगा होता जा रहा है, गाड़ियों के मेंटेनेंस वैसे ही महंगे होते जा रहा है, गाड़ियों में टूट फूट होती है, टायर पंचर होते हैं, आम आदमी तरस है ना इन चीज़ों से। तो सरकार को इसकी ओर तवज्जो देना चाहिए, रोडों को दुरुस्त करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए।
ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।